हाय एवरीबॉडी, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे फिट एंड फाइन होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं विनोद सर और मैं आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ 30-60-90 डिग्री एंड प्रॉपर्टी ऑफ 45-45-90 डिग्री। उसके साथ में हम लोग मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल को भी समझेंगे। दोस्तों, अगर इसके पहले का आपने हमारा लेक्चर नहीं देखा होगा तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर विजिट करके उस लेक्चर को आप लोग देख सकते हैं, जहां पर हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम और कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम हमने सीखा था। आई होप आप हमारा उस वीडियो को जरूर देखोगे। और अगर आपने हमारा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए, बिना किसी देरी के एक शॉर्ट इंट्रो के बाद में हम लोग इस लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है हम लोग जो सीखने वाले वो 30-60-90 डिग्री के लिए है और 45-45-90 डिग्री के लिए। ये आपको आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 35 पे मिल जाएगा, जो कि एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। एग्जाम में अगर आएगा तो एक्टिविटी की तरह पे आएगा। आपको सिर्फ वहां पे 2-3 जो बॉक्स एम्प्टी दिए गए उसे आपको भरना होगा। आई होप वो आप लोग कर लोगे। मैं आपको प्रॉपर्टी समझा के दे देता हूँ। ओके, बहुत ही सिंपल सा है। क्या कहता है स्टेटमेंट? देखो, स्टेटमेंट कहता है इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 30-60-90 डिग्री। यहां पर आप लोग इस ट्रायंगल को देख सकते हो। इस ट्रायंगल का जो एंगल है वो किस तरह से 30 डिग्री है, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। अगर इस तरह से किसी भी ट्रायंगल का एंगल इस तरह से है तो हम लोग कह सकते हैं देन द साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री। 30 डिग्री के जो ऑपोजिट में जो साइड रहेगा ना, यहाँ पर 30 डिग्री ये है तो इसके ऑपोजिट में जो साइड है, क्या नाम है साइड का भाई? बीसी। देन द साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री वो हाफ हो जाएगा। किसका? हाइपोटन्यूज का। हाइपोटन्यूज का क्या रहेगा? वो हाफ रहेगा। और साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री, 60 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड रहेगा। 60 डिग्री ये है तो इसके ऑपोजिट वाला साइड क्या है भाई? ये आपका ए बी, वो क्या रहेगा? वो हाइपोटेन्यूज का √3/2 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखिए, 30 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड जो रहेगा वो हाफ हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का, और 60 डिग्री के ऑपोजिट वाला जो साइड रहेगा वो √3/2 हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का। हमने वही लिखा है गिवन में। हमने लिखा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी, एंगल ए और एंगल सी जो है वो 30-60-90 डिग्री का है। ओके, तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? हमें स्टेटमेंट में यहां से देन से जो स्टेटमेंट आगे लिखा गया है वो हमें टू प्रूव करना है। ओके, तो हमें क्या प्रूफ करना है भाई? साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, 30 डिग्री की जो ऑपोजिट वाला साइड है, यानी कि 30 डिग्री के ऑपोजिट में कौन आ रहा है भाई? बीसी। बीसी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। किसका? हाइपोटन्यूज का। ओके, तो यहाँ पे हाइपोटन्यूज क्या है भाई? एसी। तो हाफ ऑफ एसी हो जाएगा। और बोला गया है कि साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री, 60 डिग्री का ऑपोजिट वाला साइड देखिए कौन है भाई? ए बी। तो ए बी क्या आ जाएगा? √3/2 हो जाएगा। किसका? हाइपोटेन्यूज का। ओके, तो यही चीज आपको ये प्रूव करना है। ओके, बहुत ही सिंपल है प्रॉपर्टी, आपको जस्ट समझना है। अगर 30-60-90 डिग्री का ट्राइंगल होता है तो साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री हाफ हो जाता है हाइपोटेन्यूज का, एंड साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री √3/2 हो जाता है हाइपोटेन्यूज का। अब चलते आगे हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ 45-45-90 डिग्री के लिए। ओके, सो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। उस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल किस तरह से है? दो एंगल 45 डिग्री का है। ओके, और एक जो रह गया वो 90 डिग्री का। अगर एंगल ऑफ ट्राइंगल 45-45-90 डिग्री का है तो हम लोग क्या लिखेंगे? इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 45-45-90 डिग्री देन ईच ऑफ इट्स परपेंडिकुलर साइड। ईच ऑफ इट्स परपेंडिकुलर साइड मतलब कौन सा भाई? यहाँ पर ए बी और बी सी, ये दोनों क्या है भाई? परपेंडिकुलर साइड है। तो ईच ऑफ द परपेंडिकुलर साइड वो होगा 1/√2 ऑफ हाइपोटन्यूज का। मतलब ए बी जो रहेगा उसका वैल्यू भी 1/√2 होगा हाइपोटन्यूज का। ओके, और बी सी जो रहेगा वो भी 1/√2 होगा हाइपोटन्यूज। ये है प्रॉपर्टी ऑफ 45-45-90 डिग्री के लिए। ओके, ये आपको पेज नंबर 36 पे दिख जाएगा। ये जो है एक्टिविटी बेस्ड है। अगेन, आपको एग्जाम में आया तो ये बॉक्स आपको एम्प्टी बॉक्सेस फिलअप करने होंगे। ओके, सो यहाँ पर हमने गिवन में लिखा इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी 90 है और एंगल ए और एंगल सी क्या है भाई? यहाँ पे 45 डिग्री का। ओके, यहाँ पर 90 नहीं है, सॉरी 45 डिग्री का। यस, सो ये बन जाएगा 45-45-90 डिग्री वाला। ओके, तो क्या कहता है भाई? 45-45-90 डिग्री अगर 45-45-90 डिग्री का रहेगा एंगल ऑफ द ट्राइंगल देन ईच ऑफ द परपेंडिकुलर साइड। ईच ऑफ द परपेंडिकुलर साइड मतलब क्या रहेगा? ए बी या फिर बी सी, ये दोनों 1/√2 हो जाएंगे हाइपोटन्यूज के। 1/√2 ऑफ हाइपोटन्यूज, तो क्या आएगा यहाँ पे हाइपोटन्यूज? ए सी। ओके, तो ए बी या फिर बी सी दोनों के वैल्यू क्या हो जाएंगे? 1/√2 ऑफ ए सी हो जाएगा। आई होप आपको ये दोनों प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आगे होंगे, इसके स्टेटमेंट समझा होगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। और अभी हम लोग आगे देख लेते हैं मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल के बारे में समझ लेते हैं क्या है भाई। मीडियन आपने ये 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। ओके,
सो यहाँ पर एक ट्रायंगल लिया गया जिसका नाम है एडी। ओके, मीडियन किसे कहते हैं? अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। मतलब क्या? मतलब एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है कहां से? वर्टेक्स से लेकर ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट तक। जैसे कि वर्टेक्स ए से हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, ओके, जो कि साइड बीसी के मिड पॉइंट तक हमने उसको बनाया, तो वो जो सेगमेंट एडी रहेगा उसको हम लोग कहेंगे मीडियन। यहाँ पर इस फिगर में सेगमेंट एडी को हम लोग क्या कहेंगे? मीडियन। क्या है भाई डेफिनेशन? द सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। मतलब क्या? एक सेगमेंट है जो वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? मीडियन ऑफ द ट्रायंगल कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। वैसे एक ट्रायंगल में हम लोग कितने मीडियन बना सकते हैं भाई? तीन मीडियन बना सकते हैं। फिर से मैं कह रहा हूं, सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, इसका मतलब क्या हो गया? एक सेगमेंट बनाया जा रहा है जो कि वर्टेक्स और ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, उसे हम लोग मीडियन कहेंगे। तो इस फिगर में सेगमेंट एडी को क्या कहोगे? मीडियन कहोगे। अगर एडी मीडियन है तो पॉइंट डी क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। ओके, पॉइंट डी क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। और एक ट्राइंगल में हम लोग तीन मीडियन बना सकते हैं। ओके, और तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर आके मीट करते हैं ना, उसको हम लोग सेंट्रोइड कहते हैं। तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर जाकर मीट करेगा, देखो जैसे कि यहां से हम लोग एक मीडियन बना सकते हैं, ओके, फिर यहां से एक मीडियन बना सकते हैं, तो तीनों मीडियन जिस पॉइंट से जाएगा ना, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड अपने मीडियन को रेशियो में बांट देता है 2:1, ये सब आपने सीखा हुआ है। ओके, सो यहाँ पर हमें बस इतने बताना था कि ये सेगमेंट एडी क्या है? मीडियन है। अगर एडी मीडियन है तो पॉइंट डी क्या हो जाएगा? उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। ओके, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे सेगमेंट एडी क्या है? मीडियन है। ओके, नेक्स्ट वन देखो, एक प्रॉपर्टी है आपका इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द हाइपोटेनस इज हाफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। ये प्रॉपर्टी को भी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में आपको यूज करना है। क्या बोला गया? अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके, और उस राइट एंगल ट्राइंगल में आपने एक मीडियन बनाया कहाँ पे? हाइपोटेनस तक। ओके, अगर आपने एक मीडियन बनाया हाइपोटेनस तक, तो वो मीडियन क्या हो जाएगा भाई? हाइपोटेनस का हाफ हो जाएगा। ओके, कब होता है? राइट एंगल ट्राइंगल में होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप कोई मीडियन ड्रॉ कर रहे हो, ओके, हाइपोटेन्यूज तक, तो मीडियन हाइपोटेन्यूज तक ड्रॉ कर रहे हो तो यहां से बनाना पड़ेगा, यहां से लेके हाइपोटेन्यूज तक बनाओगे। ओके, सो ये जो मीडियन है ना भाई, ये हाइपोटेन्यूज का हाफ हो जाएगा, मतलब बीडी क्या हो जाएगा भाई? हाफ ऑफ एसी हो जाएगा। ओके, इसमें यही दिया गया है, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल भी 90 डिग्री और सेगमेंट बीडी क्या है भाई? मीडियन है। ओके, सेगमेंट बीडी मीडियन है, एंगल भी 90 डिग्री, तो अगर ऐसा है तो बीडी जो रहेगा वो हाफ हो जाएगा एसी का। ओके, सो यही पे आपका जो बेसिक से प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 के लिए वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको बेसिक्स अच्छे से समझ में आ गया है, और इसके साथ ही हम लोग इस लेक्चर को भी यहीं पे हम लोग फिनिश कर देंगे। और आप क्या कीजिएगा, जो प्रीवियसली जो लेक्चर है आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम का और ये लेक्चर, आप लोग दोनों एक साथ इसको देख लीजिएगा, आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 के लिए जो भी बेसिक्स है वो सारा क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 जब शुरू करोगे तो वहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ओके दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हो तो प्लीज चैनल को एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय एंड सी यू अगेन।